I was doing my 11th standard. I was in 11th and I met squadron leader Kamal Singh Obad. उनकी वजह से पता पड़ा skydiving क्या होता है. I saw his video, skydiving video. He was doing skydiving on Antarctica, and that was the moment I took a decision of my life that I want to be a skydiver in my life. Ready, set. फैसले हमारी जिंदगी की पटरी तय करते हैं. दाएं मुड़े कि बाएं, सीधा चलते बैठें या मुड़ जाएं, हम हर बार चाहते तो हैं कि सही फैसला लें, पर ये कहां आसान बात है. और अगर राह में खुद चट्टान ही आ जाए, रिस्क जब सही में बढ़ जाए, फिर तो मुड़ जाना ही सही लगता है. लेकिन पता नहीं कैसे कुछ ऐसे भी हैं जो उड़ के चट्टान पार कर जाने का फैसला कर बैठते हैं. हर नई राह एक रिस्क है. मैंने कमल सर को पूछा, उसमें मुझे बता रहा है कि नॉर्थ पोल पे विदाउट एनी ट्रेनिंग जंप हो सकती है, इट कैन बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ही इज लाइक, नो यू कैन डू इट एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ योर लाइफ. तो मैंने उनको एक चीज़ समझाया कि सर कभी ना कभी तो मुझे मेरी पहली जंप करनी है, कहीं ना कहीं तो करनी है, व्हाई नॉट ओवर द नॉर्थ पोल. एक बार मंजिल पाने में हिम्मत तो लगती है, लेकिन बिन रुके बस बढ़ते चले जाने के लिए उससे कई ज्यादा. नाम बनाना है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा. जब मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि नॉर्थ पोल पे जाना है, साउथ पोल पे जाना है, आई वांट टू डू स्काईडाइविंग, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग कि यार अकेली लड़की है, क्यों भेज रहे हो, हाथ पैर टूट गया तो कौन शादी करेगा. देन दैट टाइम माय फादर कन्विंस्ड द होल फैमिली, मतलब होल रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, कि यही अगर रिकॉर्ड करने के लिए दूसरे कंट्री की अगर लड़की जाएगी और करके आएगी तो व्हाट वी विल डू एज ए इंडियंस, वी विल क्लैप फॉर हर. तो व्हाई नॉट कि अपने देश की लड़की क्यों ना जाए, और अपने देश की अगर लड़की जानी है तो मेरी बेटी क्यों नहीं जाए. चाहे हम जितना आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हर कदम जो आगे लोगे रिस्क से तो पक्का भिड़ोगे. जब रिस्क बढ़े हिम्मत कम ना पड़े. तो मुझे एक मन में भी वो डर था कि पहली जंप है, जिंदगी की पहली जंप, वो भी नॉर्थ पोल पे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ कर रहा है वो एक समुंदर के ऊपर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े के ऊपर लैंड होने वाला है. सो अगर बर्फ का टुकड़ा टूट गया तो एयरक्राफ्ट पानी में भी जा सकता है. उस एरिया में पहुंचने के बाद ये लोग मुझे कह रहे हैं कि आप अभी नॉर्थ पोल पे जंप नहीं कर सकते क्योंकि वेदर इज बैड. एक रशियन लड़की थी, उसकी एक दिन पहले वो भी ऐसी सेम जंप करने आई हुई थी यहाँ पे, और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है. हमें ऐसा लग रहा है कि आपने ये जंप नहीं करनी चाहिए, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है. उन्होंने कहा कि सर अगर मुझे इस मेरे डेथ का अगर डर होता तो मैं इंडिया से यहाँ तक आती ही नहीं. बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अभी यहाँ से बिना जंप करे वापस नहीं जाने वाली. तो फाइनली एक बार कह दो कि अब मैं जंप कर सकती हूँ, गिव मी दैट मोमेंट, दैट वन चांस. एंड -37 डिग्री से ही ओपन द डोर एंड ही सेड जंप. और कई बार जीत के बाद हम सोच लेते हैं कि अब तो आसान हो जाएगा, रिस्क तो अब उतना नहीं रहेगा, पर असलियत तो कुछ और ही होती है. नॉर्मल जगह पे तो कोई भी जंप कर सकता है. आप कोई खास करना चाहते हैं जिंदगी में, अलग करना चाहते हैं, तो यू हैव टू चूज अ डिफरेंट एंड खास प्लेस. उसी मोमेंट मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे अभी साउथ पोल भी करना है. बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी बच्चे हो गए छोड़ दो यार, स्काईडाइविंग में क्या रखा है, पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हाउ इट फील्स. जिंदगी में न जाने कितनी बार हम अपने आप को फिर उस चौराहे पे खड़ा पाते हैं, छलांग मार दें या मुकर जाएं, आगे बढ़े या भूल जाएं. कल के फैसलों ने हमारा आज बनाया है, और आज के फैसले हमारा कल बनाएंगे.